अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल माइनिंग शॉप। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज की वीडियो हमारी है आर्मेचर माइनिंग के ऊपर। वो और आज हम देखेंगे कि हम जो आर्मेचर ओरिजिनल होता है उसको हम जब लूप में कन्वर्ट करते हैं तब कनेक्शन में कितना डिफरेंस आता है, और अगर लूप में हो हम और उसको हम जाल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ऐसे ओरिजिनल कंडीशन में, तो तब हमें कनेक्शन कैसे ट्रेस करने हैं, ये सब डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ मजीद पूछना हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बाद में व्हाट्सएप के जरिए वो कर रहे होते आप कन्वर्सेशन, मगर जो है ना वीडियो को गौर से नहीं देखते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हर चीज़ जो वीडियो में डिस्कस करता हूँ तफसील डिटेल के साथ, वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो जाए आप उसको नहीं देखते, फिर बाद में आपको पूछने की नौबत आती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी से पूछना ना पड़े, जो वीडियो आपने देखी तो आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है, मतलब आपके काम में उसी टाइम क्लियरिटी आ जाती है कि जब आपने वीडियो देख ली तो आपका काम हो गया समझो, मेरी कोशिश ये होती है। बाकी आपकी मर्जी, आप वीडियो पूरी नहीं, आपको जल्दी भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना वही काम में। बहर वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, फिर भी अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, मेरे बहुत सारे तो माशाल्लाह है ही है ना फिर आपके पास। अच्छा जी, आज ये मोटर जिसकी हम आर्मेचर जिसके वाइंड करने लगे हैं, ये फूड प्रोसेसर की मोटर है। आजकल ज़ाहिर है बकराईद का सीजन है तो इसमें चॉपर होता है, तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर लेकर आऊँ। सबसे पहले मैं आपको इसके कवर की डायरेक्शन बता दूँ, पहले भी मैंने ये मोटर वाइंड करी हुई तो है मगर फिर भी मैं आज इसको मैं लूपो में कन्वर्ट करूंगा इस वाली मोटर को, और फिर बाद में जब लूपो में कन्वर्ट कर लूंगा तो तब आपको बताऊंगा कि अगर लूपो में आ जाए आपके पास और आपने ओरिजिनल में वाइंड करनी हो तब आप कनेक्शन कैसे ट्रेस करोगे। वीडियो का मेन मकसद मेरा यही है, ठीक है। खोल लेता हूँ इसको और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें आर्मेचर इसका पूरा जला हुआ। अब सबसे पहले हम इसके ओरिजिनल कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि ओरिजिनल कनेक्शन कहाँ है, और फिर जब हम इसको लूपो में कन्वर्ट करेंगे और तो तब देखेंगे कि क्या हो सकता है। अच्छा, ये देखो इसकी हालत आर्मेचर की, और अब मैं आपको इसके ओरिजिनल कनेक्शन बताता हूँ। अगर एक साइड के ना मिल रहे हैं, जैसे ये फली इसकी टूट गई है, तो एच में ये फायदा होता है कि दूसरे कॉइल का कनेक्शन भी सेम डायरेक्शन पे लगा होगा, मतलब जिस तरह उसका होगा उसी तरह इसका होगा। कनेक्शन देखना मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपके दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश रहे, आप कनेक्शन भूलो ना। अब ये कनेक्शन लगा हुआ यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा कनेक्शन यहाँ लगा, अब यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस क्वाइल का मैंने तोड़ा तो तार यहाँ से टूटता है, मगर जब हम गिनती करते हैं तो आखिरी वाले जहाँ क्वाइल इसका बंद हो रहा होता है यहाँ डलता है लास्ट वाले उसमें, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा कनेक्शन जब आर्मेचर बंद हुआ है तो 10 पे लगा हुआ है। और उसके बाद आपने क्या देखना है, तो वाइंडिंग की डायरेक्शन चेक करनी है कि वाइंड किस तरफ को आर्मेचर हुआ हुआ। अभी ये देखो ये फॉरवर्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये सेकंड लास्ट कॉइल और ऊपर वाला कॉइल जो लास्ट वाला कॉइल है ये इस तरफ को चल रहा है, तो ये फॉरवर्ड वाइंडिंग कहलाती है। कुछ लोग इसको सीधे हाथ की वाइंडिंग बोलते हैं, मगर फॉरवर्ड वाइंडिंग मतलब मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ तो मैं यही बोलता हूँ। अभी आप इसको सीधे हाथ की वाइंडिंग समझ लो या फॉरवर्ड वाइंडिंग समझ लो, ये आपके ऊपर, ठीक है। अब हमें ये दोनों चीजें पता चल गई कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सीधे हाथ की तरफ है और कनेक्शन जब बंद होगा तो 10 पे लगा हुआ। अब आगे मैं इसको काट के साफ करके फिर आपको बताता हूँ। आर्मेचर मैंने साफ करके पेपर इसमें डाल लिए, मतलब मैंने दूसरा ही लिया है, वो वाला तो वहीं रखा हुआ, और सेम मॉडल का सेम साइज का आर्मेचर है, 12 स्लॉट 24 फली, ठीक है। और अब हम इसको ओरिजिनल यानी जाल नहीं बुनेंगे इसका, हम इसको बनाएंगे लूपों के अंदर। लूप बनाने के लिए क्या करना है, कहीं किसी भी स्लॉट से शुरू कर लिया हमने, और अब मैंने बिल्कुल इससे शुरू कर लिया, ठीक है। अब इसमें घुमाने वुमाने वाला चक्कर तो होता नहीं कि तार उधर से घुमा के लाओ और उधर से घुमा के लाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब मैंने इसको ये पहले लूप छोड़ ली मैंने सिंगल उसकी फली की और सिंगल वायर की, सॉरी, ठीक है। अब हम इसमें गिन के जितने भी टर्न डाले हैं, जैसे मैंने अभी इसमें 50 टर्न डाले हैं तो मैं 50 टर्न डालूंगा। ये गलती करी मैंने, कम्यूटेटर पहले लगा लिया, नहीं लगाना चाहिए था,
लेकिन खैर मेरा हाथ चला हुआ तो मसला नहीं है, कवर कर लूंगा मैं। ठीक है, अब ये मेरी हो गई 50 क्वाइल। अब मैं यहां पर बनाऊंगा एक इसकी लूप। अब एक लूप तो ये मेरी बनी हुई ऑलरेडी, ये इस वाली की जो क्वाइल डल गया इसके अंदर, ये इसकी लूप है सिंगल वाली। ठीक है, अब ये जो मैं दूसरा क्वाइल डाल रहा हूँ ये उसकी लूप है। अच्छा, मैं फॉरवर्ड वाइंडिंग कर रहा हूँ तो लूप मैं आगे छोड़ूंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन मर्जी है आपकी। इधर से गिन के लगाना तो आगे छोड़ लो लूप, इधर से लगाना है तो पीछे की तरफ लूप छोड़। ठीक है, अब मैं इसमें गिन के दोबारा से 50 टर्न डालूंगा। ठीक है, अब मेरे ये दो क्वाइल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी दो हाँ ठीक है, एक तार सिंगल हो गई और एक मेरी लूप जो है वो डबल निकल आई। अब देखें, मैंने इसमें दो क्वाइल डाल दिए, मगर अब जो नेक्स्ट में मैं चलूंगा तो पहले इसकी लूप बनाऊंगा, बाद में उसके मैं टर्न डालूंगा। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जब पहली लूप डालनी है तो उसके ऊपर गिठान लगा लेनी है, ताकि जब आप कनेक्शन लगाने लगो तो आपको पता हो कि हमारी पहली लूप कौन सी है और सेकंड लूप कौन सी है। क्योंकि कनेक्शन पे जब लगेंगे तो ये इसी हिसाब से लगेंगे, वरना कनेक्शन सही लगेंगे नहीं तो आर्मेचर चलेगा नहीं। ये बात आपको जहन में रखनी है और लाजमी रखनी है। ठीक है जी, अच्छा ये मैंने इस पर गिठान मार ली और अब मैं इसको एक टन दे के लूप को साइड पर रखूंगा। अब इसी तरह इसमें भी मैं गिन के 50 टर्न डालूंगा। दूसरी लूप पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर से एक लूप और बन गए। ठीक है, पहले लूप बनानी है, बाद में क्वाइल डालना है। फिर लूप बन गई, अब इसमें फिर क्वाइल डाल दी। ठीक है जी, ये वाले मेरे दो क्वाइल कंप्लीट हो गए। अब मैं नेक्स्ट पे चलूंगा तो अब हम यहां पर फिर लूप बना लेंगे। हर नेक्स्ट में जाने से पहले आपने लूप बनानी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लूप वाली वाइंडिंग आती है, उनको ये जाल वाली समझ में नहीं आती, और कुछ लोगों को जाल वाली समझ में आती है और लूप में नहीं आती। तो ये वीडियो मेरी उन्हीं के लिए जिनको आती है, भाई वो बुरा नहीं बनाए, क्योंकि वो समझ रहे हो कि हमें सिखा रहा है, हमें सब पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बेचारों को दोनों का ही नहीं पता, अभी तक नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, ये लूप बन गई मेरी पहले, और अब मैं इसमें इस तरह वापस गिन के डालूंगा। अब मैं फिर एंड में आपको दिखाता हूँ कि हमारे जब कनेक्शन लगेंगे तब हमें क्या करना है। अच्छा, अभी आप ये देखो कि सब में दो दो तार हो गए, इतने ज्यादा तार देख के टेंशन नहीं लेनी। और ये जो लास्ट वाला क्वाइल हमारा बचा है, इसमें दो तो ये निकला है, अब ये तीसरा सिंगल हमारा बच गया जो हमने। ठीक है, ये लास्ट वाले तार को आपने क्या करना है कि आपको याद है ये हमारा शुरू वाला एक सिंगल लूप रह गई थी। ठीक है ना, हमने इसको वापस जो है इस क्वाइल में लेके आना है, स्लॉट में, सॉरी, यहाँ से हमने इसको यहाँ से डाला जिसमें हमने डली, और वापसी यहाँ से घुमा के इस वाले स्लॉट पे लेके आ गए। ठीक है, अब जो हमारी सिंगल बची थी, यानी पहला और आखिरी सिरा, जैसे हम उस कनेक्शन में आपको याद है कि मिलाते थे, ये इसी तरह यहाँ पर ये हमने इसको मिला दिया। अब हमारा कोई भी क्वाइल अधूरा नहीं है, यानी ये देखें सब में दो दो लूपे हो गई, आपने गिनने नहीं है कि सब में दो दो हो गई। ठीक है, इन तारों को देख के आपने डरना नहीं बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इनको इस जाल को समेटना कैसे, जो हमने इतना फैलावा है इसको समेटना कैसे है, तो एक मिनट में अभी आपको बता रहा हूँ। आपके पास माचिस माचिस हो या लाइटर हो, दोनों में से माचिस भूल गया मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना,
कि हमें सबके जो आगे ना फ्रंट की इनको अच्छे से आपने जला लेना। जलाने में तो मास्टर हो गए खैर, ये सबके इसी तरह सिरे सिरे जला लेने। अच्छा जी, अब आगे बारी इनको समेटने की। सिरे मैंने सारे इसके जला लिए। अब जो मैंने आपसे गिठान लगवाई थी, ये देखो जब हम शुरू करेंगे तो बड़ी वाली जो पहली लूप होगी उस पर गिठान लगानी है। तो कहीं से भी आप किसी भी दो जो गिठान वाली तार है उसको पकड़ना, या तो इसको पकड़ लें या फिर जो हमारा पहला और आखिरी सिरा हमने ज्वाइंट किया था या फिर उसको पकड़ के। अब इसमें सीन यूँ है कि जहां पर हमारा आर्मी से जब बंद हुआ था तो कनेक्शन 10 के ऊपर था, तो लुपों के अंदर हमने जहां से कनेक्शन ओरिजिनल देखा था वो लुपों में वैसे ही कनेक्शन लगेगा, आगे पीछे नहीं करना। अब यहां से हमने गिन लेना है, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। लुपों में आगे पीछे नहीं हुआ, जैसे हम जाल में दो आगे पीछे छोड़ते हैं ना, लुपों में ये सीन नहीं। लुपों में जहां से आखिरी कनेक्शन लगा हुआ पहला कनेक्शन वही लगेगा, ठीक है। अभी मैंने जो गिठान वाली तार यानी पहला सिरा और आखिरी सिरा इससे शुरू करा और जो उसका उसी स्लॉट का दूसरा तार होगा वो उसके आगे वाले पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे वाइंडिंग फॉरवर्ड वैसे कनेक्शन फॉरवर्ड, ये सारे हमने, या फिर आप जरूरी नहीं कि पहले और आखिरी को, ये मैंने वैसे आपको बताया। जिस पे भी गिठान लगी है हर क्वाइल का जो कनेक्शन है वो जाके 10 पे ही लगेगा, ठीक है। ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं पूरे कनेक्शन लगा लेता हूँ एंड में फिर फिट करके चला कर चेक करते हैं। अच्छा, वार्निश मैंने नहीं करी, आर्मेचर मैंने फिट कर लिया उसके अंदर और डोरी वोरी लपेट ली ताकि कनेक्शन खुले ना इसके। अब मैं इसको कवर लगा के फिट करके चेक करता हूँ। फिट मैंने कर लिया, रेगमाल मेरे पास था नहीं, अभी फिलहाल मैं घर पे हूँ तो रेगमाल नहीं मारा कम्यूटेटर के ऊपर, हल्का फुल्का स्पार्क हो, माइनर भी नहीं है। बिल्कुल ओके तो हो गई, मगर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो अपन पैपने वाले तरीके पे वाइंड करते हैं ओरिजिनल जाल में वो सही है या आपको ये तरीका अच्छा लगता है, ये लाजमी बताइएगा। मुझे बहरहाल ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, आपके लिए मैंने वीडियो तो बना दी ताकि जो इसको लाइक करते हैं उनको भी इस चीज़ की समझ हो कि लुप में कैसे वाइंड होता है। बाकी आपने कमेंट करके बताना कि जो अपने वाला तरीका वो सही है या ये वाला तरीका सही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो चीज़ मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में जो इलम है मैं आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ और बेहतर तरीके से कर सकूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मज़ीद अगर कोई खामी कोताही रह जाती है उसको नज़रअंदाज करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे रहनुमाई भी कर सकते हो। मुझे पता है कि बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी उस्ताद हैं मेरे साथ इस चैनल में, आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े बड़े उस्ताद भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। उन सबका बहुत बहुत थैंक यू और फिर से कहूँगा कि कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे भाई की हौसला अफजाई होती है।